दोस्तों, मैं इस चैनल पे गज़ब की वीडियो लाता हूँ। 4-5 दिन पहले अभी मैंने प्रकाश पाइप्स के बारे में जिक्र किया था और जितना भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सबके एंड स्क्रीन पर प्रकाश पाइप के बारे में बोल रहा था। 159 पे मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, 150-151 के अराउंड भी ये गया था और आज इसने 18% का जंप लगाया है। तो कमाल कर दी, पैसों की बारिश कर दी है। प्रीवियस वीडियो भी चेक करना, बहुत सारे मैंने शेयर्स रिकमेंड किया जो कि आज बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और इसी तरह के मैं अंडर वैल्यू शेयर्स लाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ वो फाइबर सीमेंट से बिलोंग करता है। तो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो रूफ्स बनाने और कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती है। प्रोमोटर की होल्डिंग की तरफ देखते हैं, 66.41 से इसने 66.94 तक का यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है। दोस्तों, यहाँ पर इंक्रीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर करोड़ों कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ा होगा प्रोमोटर्स को। पब्लिक के पास भी एक अच्छा स्टेक है, यहाँ पर 33% का स्टेक दिख रहा है, जिसमें से कि कुछ फेमस इन्वेस्टर्स मुकुल अग्रवाल एंड ओम प्रकाश भी यहाँ पर है अच्छे खासे स्टेक के साथ। चलिए बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा है 10 करोड़ का। रिजर्व देखिए 69 CR, 2010 में 69 CR था और अभी इसके पास रिजर्व हो गया 236 CR का। बोरोइंग्स 89 करोड़ का था एंड अभी बोरोइंग्स यहाँ पर 8 करोड़ का है, तो एक लाजवाब बात है। चलिए इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं कंपनी क्या कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट 2010 में जो था जीरो, यहाँ तक देखिए पूरा जीरो इन्वेस्टमेंट्स, बट अभी देखिए लास्ट 2 ईयर में यहाँ पर 31 करोड़ एंड 48 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि बहुत ही गजब की बात है। स्टॉक का CAGR देखते हैं, तो एक साल में 310% दिया है कंपनी ने, इसका मतलब 1 लाख को बनाया है 4,10,000, ब्रिलियंट। एंड 3 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो 40% का रहा है और 3 साल में सेल्स ग्रोथ रहा है 21% का रहा है कंपाउंडेड ग्रोथ। इक्विटी की बात करते हैं रिटर्न, तो 3 साल में 22%, जो कि बहुत अच्छी है। रैली सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर में जून 2018 में 112 करोड़ का था, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल आया, डिप आया यहाँ पर आपकी सेल्स में, एंड देन यहाँ पर 147 सीआर का फिर यहाँ पर एक डिप देखने के लिए मिला। बट सितंबर 2020 से जो यहाँ पर आपकी सेल्स यहाँ पर ग्रोथ हो रही है वो लाजवाब तरीके से ग्रोथ हो रही है। यहाँ से यहाँ करीबन देखिए करीबन अराउंड 33% का यहाँ पर इंक्रीमेंट दिख रहा है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पर दिखा है कि पहले थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हुआ करता था, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन आया, फिर यहाँ पर देखिए इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें ये पता चलता है कि जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट है, प्रमोटर जो है वो कंपनी को किस तरह से चला रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है आपके कोर बिजनेस से कितना पैसा बनकर आ रहा है। अदर इनकम में हमें इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जो सोचकर इस कंपनी पर पैसा लगाया उस पर्टिकुलर बिजनेस से कंपनी कितना पैसा बना रही है, दैट्स ऑल वी वॉन्ट। तो यह अच्छा खासा यहाँ पर देख रहे हैं 20% के अराउंड जो OPM रहता है बहुत तगड़ा माना जाता है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, एनुअल प्रॉफिट लॉस की, तो पहले 269 करोड़ का आपको यहाँ पर सेल्स दिखता था, अब यहाँ पे मार्च 2021 में 472 CR का यहाँ पर आपको सेल्स दिख रहा है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 20% 60% यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेस दिखा, देन 24% देन 17% देन 19%, तो ये भी एक अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका इंप्रूव होता दिख रहा है हमें। 19% का यहाँ पर OPM बनाकर कंपनी ने लाया है। इंटरेस्ट भी देखिए कंपनी बहुत कम दे रही है, यानी कि आपके पास बहुत कम बोरोइंग्स है तभी आप इंटरेस्ट भी यहाँ पर कम देना पड़ रहा है। डिप्रिशिएशन भी उतना कुछ खास ज़्यादा रेट से डिप्रिशिएट नहीं कर रहा है हमारा मशीनरी, तो यहाँ पर भी डिप्रेशन भी हमें कम देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी कभी भी अपने बोरोइंग्स को चुका सकती है 1 सेकंड के अंदर, तो बहुत अच्छी साइन है ये। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंप्रूव करता हुआ हमें दिख रहा है। पहले यहाँ पर 13 करोड़ 10 करोड़ का हुआ करता था, लास्ट ईयर में 27 CR एंड इस ईयर में 62 CR, एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब चलिए हम लोग वैल्यूएशन की पता करते हैं कि कौन से वैल्यूएशन में लेना सही रहेगा। तो अगर हम देखिए कभी भी आपको यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको यहाँ पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हो, वॉरेन बफेट हो, राकेश झुंझुनवाला साहब हो, खेड़िया साहब हो, या कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, वो एजम्पशंस लेकर चलती है, प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करके ही चलती है कंपनी से कि आने वाले साल में कंपनी कितना प्रॉफिट देगी, उसी हिसाब से EPS, उसी हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यूएशन कैलकुलेट करती है। तभी आपको यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपको एजम्पशंस लेना होगा, कुछ आपको प्रेडिक्शन करना होगा, उसी हिसाब से आप ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ का PE बहुत हाई रहता है बट फिर भी वहाँ पर बाइंग आती रहती है और कंपनी ऊपर भागती रहती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आम जनता जो है, रिटेल इन्वेस्टर, वो कैलकुलेट करती है हिस्टोरिक पी, मतलब जो आपको वेबसाइट पर दिखता है वो एक्चुअली हिस्टोरिक पी है, राइट। आपको यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है कि कंपनी आने वाले 1 साल 2 साल में क्या ग्रोथ दिखा सकती है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना है और तब देखना है कि कंपनी कौन से वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा। तो वही हम देखेंगे अभी, चलिए वो देखते कैसे, वो मैं बताता हूँ। अर्ली रिजल्ट जो यहाँ पर देख रहे हो आप मार्च 2021 का, यहाँ पर आप जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आया 17 करोड़ का निकल कर रहा है और EPS जो निकल कर आया 17 रुपीज़ का निकल कर आया, ओके। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रेज्यूम करूँगा कि 17 रुपीज़ का जो EPS है, ये EPS कंपनी बरकरार रहेगी। चलिए ग्रोथ नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, बट ये कांस्टेंट रहेगा मेरा, ये ग्रोथ जो है ये कांस्टेंट रहेगा। 17 रुपीज़ का ग्रोथ हो जाती है तो बहुत लाजवाब बात है, नहीं भी होगी भैया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट को बहुत कंजर्वेटिव तरीके से वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ, सब चीज़ को प्लस माइनस करके। मैं मान रहा हूँ कि 17 रुपीज़ का यहाँ पर EPS कंपनी देगी फॉर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। तो यहाँ पर
तो 17 इंटू अगर आप 4 करोगे तो आपको ये निकलेगा 68। ये हो गया आपका ईपीएस, ईपीएस 1 साल का। अब यहाँ पर अब जो करंट प्राइस यहाँ पर हमें देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पर अभी जो करंट प्राइस है, चलिए मैं आपको शेयर भी बता देता हूँ कौन सा शेयर है। तो इस शेयर का नाम है सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये करती क्या है, बेसिकली फाइबर सीमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। मैंने जैसे कहा था, ये रूफ में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पर्पस पे ये काम आती है। मार्केट कैप इसका 416 करोड़ का है, करंट प्राइस जो है 436 का है। तो इसी पर अभी हम निकाल कर देखेंगे। और जो स्टॉक का पी निकल कर आ रहा है 6 रुपये का निकल कर आ रहा है, बुक वैल्यू 256 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल 33%, आरओई 28%, फ्री कैश फ्लो जो इस ईयर जो जनरेट किया वो 32 CR का है, 38 CR का, एंड डेट जो है कंपनी पर 8 करोड़ का है, कभी भी चुका सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए यहाँ पर 132% का प्रॉफिट ग्रोथ विथ इज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 21 का चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.03। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, कोई कंपनी पर डेट ही नहीं है पहली बात। तो यहाँ पर बात हो रहा है 4736 का, चलिए 450 पकड़ कर चलते हैं। आज कुछ मूवमेंट हुई है शेयर में, तो यहाँ पर 450 डिवाइडेड बाई अगर हम करेंगे जो हमारा निकल कर आया था 68, देन ये होता है 6.61। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर कि जो इंडस्ट्री का जो यहाँ पर पी है वो अराउंड 21 का है, कंपटीटर से उसकी पी क्या है, तो 13 का पी है, 8, 9, 10, इसका खुद का 6 पॉइंट समथिंग, 51, 31। तो यहाँ पर बहुत अंडर वैल्यूएशन पर ये कंपनी मिल रही है। तो आपको कभी भी यहाँ पर छोटे ड्यूरेशन के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता है, आपको कभी भी देखना बड़ा पैसा बनता है, हमेशा आपको बनेगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्हीं का बड़ा पैसा बनता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं बाजार में, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिच एंड बींग वेल्दी, एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बींग रिच एंड बींग वेल्दी, ऐसा कहना है केडिया साहब का। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते है, वो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं यहाँ पर चलता हूँ इन्वेस्ट करके। आप इन्वेस्ट करके रखो एक अच्छी कंपनी में, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ट्रेडर्स देखिए कभी भी वो जो 5 गुना 10 गुना जो कंपनी 1 लाख को 5 लाख 1 लाख को 10 लाख बनाती है, वो ट्रेडर्स वो कभी नहीं वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स हमेशा 10%, 15%, 20% प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं या इंट्राडे करते हैं, बट वैसे में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, एक बड़ा रिटर्न नहीं कमा सकते हो। इसीलिए आपको थोड़े दिन तक कंपनी पर बन कर रहना होगा। आपको डाउट, ऐसा नहीं कि पैसा आप लगाकर छोड़ दियो शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं। तो 1 लाख का 10 लाख भी जाता है, 1 लाख का 10 रुपये भी बन जाता है पैसा, राइट? येस बैंक देखे होंगे, DHFL देखे होंगे। तो बट ऐसा नहीं है कि आपको लगा के छोड़ देना, आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर रिव्यू करना है, अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे, क्वार्टरली रिव्यू करते रहे, तभी आप यहाँ पर जाके कुछ अच्छा अच्छा पैसा बना सकते हो। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप से जुड़ी कंपनीज में लाता हूँ, क्यों लाता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है भैया अंडर वैल्यूड दिखती है। ऐसा नहीं कि मैं लार्ज कैप पर नहीं लाता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लाता हूँ अंडर वैल्यूड कंपनीज़। देखिए वैल्यूएशन का मतलब समझिएगा, चलिए कोई वेजिटेरियन ही डिश समझते हैं, पनीर समझ लिए। पनीर का एक नॉर्मल रेट क्या है, मेरे इधर अराउंड यहाँ पर 350 रुपीज़ है 1 KG का, आपके यहाँ 400 होगा, किसी के यहाँ 300 होगा, राइट? अब आपसे कोई मांगेगा पनीर का 1 किलो का दाम 1000 रुपया, तो ये जस्टिफाई कर रहा है ये वैल्यूएशन? नहीं कर रहा है। उसी तरीके से आप 1000 रुपीज़ अगर वहाँ देकर आप पे कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। यही होता है वैल्यूएशन, आपको एक रीजनेबल रेट देना होता है। चलिए 350 है मेरे से, आप 380 मांग लीजिए, 420 मांग लीजिए, मैं वहाँ तक दे सकता हूँ। आप मेरे से 800 रुपये मांगिएगा पनीर के लिए तो मैं नहीं दूंगा। ऐसे शेयर के साथ भी होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, डेली फ्लक्चुएशन होता है, तो पता नहीं चलता कौन सा प्राइस में लेना सही रहेगा। तो यही कुछ टर्म्स होते हैं जैसा कि मैंने समझाया। तो ऐसे ही आपको एक वैल्यूएशन पता करना होता है कंपनी का, और तब इन्वेस्ट करना रहता है, कितनी भी स्ट्रांग कंपनी हो। इन्फोसिस मुझे याद है, ऐसा मैंने एक स्टडी में, केस स्टडी में पढ़ा था कि 2000 और 2006 के बीच में इन्फोसिस इन्वेस्टर का पैसा 6 साल के लिए फंसा के रख दिया था। हाई वो जब लगाया था 6 साल के बाद वो अपना उस पर्टिकुलर प्राइस पर पहुँचा था, जबकि टॉप कंपनी IT कंपनी इन्फोसिस मानी जाती थी उस समय की और अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि कितने भी अच्छी कंपनी में लगा दिए। देखिए कंपनी सबको पता रहता है, सब बच्चे बच्चे को कंपनी पता रहता है, HUL है, रिलायंस है, इन्फोसिस, TCS, तो क्या वहाँ पैसा लगा देने से क्या आप सभी कोई पैसा थोड़ी बना लेता है शेयर मार्केट से? यहाँ पर कुछ बातें होती है, फंडामेंटल्स होती है, वैल्यूएशन होती है, आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे। मैं आगे सारा चीज़ कवर करूँगा इसके बारे में। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए, प्रकाश पाइप दिग्गज स्टॉक, फिर मैं कह रहा हूँ जरूर देखिएगा वो वीडियो। राइट वाली वीडियो देखिए अगर आपको जानना है ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।